सो गाइस फाइनली मैंने आईफोन 14 प्लस को बाय कर लिया है स्टारलाइट कलर में। आप लोगों ने काफी ज्यादा वोट करे थे पर्पल कलर के लिए, सो मैंने पर्टिकुलरली व्हाइट कलर ही क्यों बाय करा है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसी के साथ करेंगे क्विक अनबॉक्सिंग, आईफोन 13 के साथ कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, कैमरा, बेंचमार्क्स एंड स्पीड टेस्ट। इसी के साथ आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ साइज एंड डिस्प्ले कंपैरिजन, क्योंकि आईफोन 13 प्रो मैक्स लगभग इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है। सो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला, आपको सभी चीजें बताऊंगा न्यू आईफोन 14 सीरीज के बारे में एंड क्या कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलती है इन न्यू आईफोन 14 प्लस। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। सो आईफोन 14 प्लस को मैंने परचेज कराया क्रोमा स्टोर से विद 5000 रुपीज इंस्टेंट कैशबैक ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड। सो फाइनल प्राइसिंग है 85000 रुपीज फॉर 128GB वेरिएंट। एंड गाइस फ्रैंकली बताऊं तो मुझे पर्पल कलर इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, मैंने इसको जब साइड बाय साइड कंपेयर करा अपने आईफोन 13 के स्टारलाइट के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है। एंड ऑब्वियसली चीज जाती है आपकी पर्सनल चॉइस पे। सो फाइनली कर लेते हैं फोन को अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है टिपिकल जो आपको सभी आईफोन्स में मिलता है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज स्पेशल है वो है आईफोन 14 प्लस, क्योंकि एज इस साल यहाँ पे एप्पल ने मिनी आईफोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है एंड अपनी सीरीज में ऐड कर दिया आईफोन 14 प्लस। सो आई थिंक ये काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एक रेगुलर आईफोन चाहिए बड़े डिस्प्ले के साथ या फिर अच्छी बैटरी लाइफ के साथ। सो गाइस ये थी फोन की अनबॉक्सिंग, इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं आईफोन 13 के साथ। सो यहाँ पे जो कैमरा लेंसेज हैं उनका साइज स्लाइटली बिगर है एंड इसी के साथ जो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा का बम्प है वो भी यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईफोन 13, बट ऐसा यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इनकी लुक्स में, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। आईफोन 14 प्लस में आपको मिलती है 6.7 इंचेस की डिस्प्ले, सो यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो 6.1 इंचेस के सामने आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। सो इस साल एप्पल ने रेगुलर आईफोन 14 सीरीज में कैमरा में कुछ बड़े चेंजेस नहीं करे हैं। अब यहाँ पे हम स्पेक्स की बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ की। मैंने कुछ सैंपल्स क्लिक करे, आप साइड बाय साइड देख सकते हो आईफोन 13 एंड आईफोन 14 प्लस के कैमरास में कितना डिफरेंस है। सो अगर मैं बात करूँ इनिशियल इंप्रेशन की, सो यहाँ पे मुझे डिटेल्स में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं मिला है। यहाँ पे एक स्लाइटली आपको वार्म टोन मिलती है प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस के फोटोज में। एंड वहीं अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे मुझे स्लाइट इंप्रूवमेंट्स दिखी है, स्किन टोन्स थोड़ी सी बेटर लगती है एंड ओवरऑल जो यहाँ पे पिक्चर का व्हाइट बैलेंस है इम्प्रूवड है। एंड इसी के साथ मेजर डिफरेंस आता है ऑटो फोकस का। अब तक के आईफोन्स के सेल्फी कैमरा में मिलता था फिक्स्ड फोकस, सो यहाँ पे काफी बड़ा एडवांटेज है। इस वाले पोर्ट्रेट सेल्फी में आप देख सकते हैं अगेन आईफोन 13 की जो स्किन टोन है थोड़ी ज्यादा वार्मर साइड पे है एंड इसी के साथ आईफोन 14 प्लस की इमेज में डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर है। बाकी इसके अलावा आईफोन 14 प्लस की इमेजेस स्लाइटली ब्राइटर है। सो ऑब्वियसली इतने डिफरेंस को हम इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं बोल सकते हैं। एप्पल ने इस बार डीप फ्यूजन के साथ साथ फोटोनिक इंजन ऐड करा है जिसकी वजह से डिटेल्स स्लाइटली बेटर आती है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली विजिबल है बट वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। सो इन अ नटशेल आई वुड से यहाँ पे मुझे आईफोन 14 प्लस के कैमराज में कोई ह्यूज इंप्रूवमेंट्स नहीं लगी है। आईफोन 13 के कंपैरिजन में रेगुलर आईफोन 14 सीरीज में प्राइमरी लेंस चेंज है, बट वहीं अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस की तो वो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो स्टिल यहाँ पे हम डिटेल कैमरा टेस्ट करेंगे दोनों फोन्स का एंड इसी के साथ आईफोन 14 प्लस एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स का। एंड आउटडोर्स की तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोर्स में भी आईफोन 14 प्लस के फोटोज में स्लाइटली वार्म टोन है। वहीं अगर मैं बात करूँ जूम की, सो ऑल दोनों फोन्स में आपको डिजिटल जूम मिलता है बट मुझे जूम में इम्प्रूवमेंट्स दिखी हैं। ये फोटोज कैप्चर करें हैं 1x पे एंड ये फोटोज कैप्चर करें 5x पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्लस का फोटो क्लियरली बेटर है। इसी के साथ नई आईफोन 14 सीरीज में आप 4K सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो एंड आईफोन 13 सीरीज में लिमिटेड है 1080p 30fps पे। सो अगर मैं बात करूँ डिटेल्स की, सो यहाँ पे डेफिनेटली डिटेल्स ज्यादा अच्छी आती हैं एज ये वीडियो 4K है। एंड इसी के साथ मुझे आईफोन 14 प्लस में ब्लर भी थोड़ा सा बेटर मिला है, मतलब कि जो एज डिटेक्शन है। अब मे भी हो सकता है एप्पल ने ऐसा सॉफ्टवेयर के थ्रू कराओ, क्योंकि दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम चिप मिलती है बट यहाँ पे स्लाइट डिफरेंसेस हैं। एंड अगेन ये दोनों फोन्स के प्राइमरी लेंसेज से शूट करिए सिनेमैटिक वीडियो। सो एज आप लोगों ने दोनों फोन्स की वीडियोस एंड फोटोज देख लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट्स तो हैं बट इसको हम मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। वही बात करें कुछ एडवांटेजेस की जो कि आपको आईफोन 14 प्लस में मिलते हैं, सबसे पहली चीज है डिस्प्ले का साइज। एंड गाइस मैंने एक और चीज नोटिस करी है दैट ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होता है इसके साइज के हिसाब से। इसका वेट है लगभग 202 ग्राम। सो जिन लोगों को बड़े डिस्प्ले वाला आईफोन चाहिए एंड वो लोग इतना ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं लाइक प्रो मैक्स के लिए, तो आई थिंक उनके लिए काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इसी के साथ डिस्प्ले की ब्राइटनेस में पिक्सल डेंसिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम स्पेक्स मिलती हैं एज आईफोन 13। वहीं इसको अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपको सेम साइज मिलता है एंड अभी के टाइम पे करंटली आपको इन दोनों फोन्स का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम मिलता है।
सो इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन, डिटेल कैमरा टेस्ट मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। iPhone 14 Plus में मिलती है 800 nits की टिपिकल ब्राइटनेस, वहीं iPhone 13 Pro Max में 1000 nits की। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ऐसा कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, दोनों फोन्स इक्वली ब्राइट लग रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। वहीं बात करते हैं परफॉर्मेंस की, iPhone 14 Plus में आपको मिलती है 6GB की रैम, वहीं iPhone 13 में 4GB की रैम एंड इसी के साथ एक एक्स्ट्रा GPU कोर। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कोई ह्यूज इंप्रूवमेंट्स तो नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक स्लाइट एज मिल जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रैम का डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली विजिबल है। बात करें Geekbench स्कोर्स की, सो यहाँ पे सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में दोनों में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, बट ऑब्वियसली जो कि काफी ज्यादा कम है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, क्या बेनिफिट्स रहते हैं। सो Amazon आप देख सकते हैं iPhone 14 Plus में स्लाइटली पहले खुला था, इसी के साथ Flipkart भी। कुछ गेम्स को लॉन्च करके देख लेते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस रहेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे iPhone 14 Plus की स्पीड स्लाइटली ज्यादा है एंड ऑब्वियसली गेम्स को लोड करने में ऐसा होगा क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है GPU को एक एक्स्ट्रा कोर, बट मेरे हिसाब से ये डिफरेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में। एंड आई थिंक यहाँ पे जो चीज मैटर करेगी वो है रैम मैनेजमेंट। सो कई बार ऐसा होता था दैट iPhone 12 एंड iPhone 13 में 4GB की रैम थोड़ी सी लिमिटेशंस दिखाती थी। सो आप जब भी यहाँ पे हार्ड कोर यूजेज करोगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करेंगी, सो उस चीज में डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड मैंने यहाँ पे इस चीज को टेस्ट भी करा है, iPhone 14 Plus की मल्टीटास्किंग काफी अच्छा काम करती है। इसी के साथ iPhone 14 Plus में एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो बैटरी लाइफ को लेकर। अब जो उसकी बैटरी की कैपेसिटी है वो लगभग 4323 mAh, जो कि एक रेगुलर iPhone मॉडल के लिए काफी ज्यादा हो जाता है। एंड इसी के साथ इसमें आपको मिलता है 60Hz का डिस्प्ले एंड कोई भी वॉपिंग आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस नहीं मिलती है, जस्ट लाइक 2000 nits की। सो आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। एंड आई थिंक यहाँ पे काफी बड़ा रीजन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों को गेमिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है, अच्छी बैटरी लाइफ है। एंड इंडिया में इसकी एंड iPhone 14 Pro Max की प्राइसिंग में लगभग 50,000 रुपीज का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं आपके यूज एंड प्रायोरिटी के हिसाब से। सो इन द कंक्लूजन आई वुड से iPhone 14 Plus एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट रेगुलर iPhone 14 को लेने का कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि वो काफी हद तक iPhone 13 जैसा ही है। सो पर्टिकुलरली iPhone 14 Plus, आप लोगों को ये फोन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो वीडियो पसंद आया एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। एंड आप लोग इसका कंपैरिजन किस iPhone के साथ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।